Hello, I'm Ghost from Team Regicide and I play as support. Hello, I'm Crypto from Team 52 Esports and I'm a free man. Have there been any roster changes or shifts in player roles since the last tournament? And how have these changes impacted the team's overall performance? पिछले सीजन से अभी रोस्टर चेंजेस भी हुए हैं और रोल भी चेंज हुए हैं टीम में और खैर अभी तक कोई खास डिफरेंस का पता नहीं चलेगा जब तक हम PMSL नहीं खेलेंगे। हमारी टीम में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, स्पेशली जो कि मेरे लिए हुए हैं बिकॉज आई जॉइन अ न्यू टीम और 52 में एक और प्लेयर आया वोल्टर्स के नाम से। हमने ऑलरेडी 3 या 4 अनऑफिशियल्स खेले हुए हैं जिसमें से 2-3 काफ़ी मेजर थे और उनमें हमारी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट बहुत नज़र आई है, तो आई एम होपिंग दैट द CSA विल गो गुड एज वेल। How do you stay motivated, especially after tough losses? वैसे तो मैं मोटिवेटेड इसी तरह रहता हूँ, लाइक इन माई प्रीवियस टूर्नामेंट वी फेस्ड अ टफ लॉस, लेकिन मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी तो मुझे इतना असर नहीं पड़ा उसका। ऑल्सो इस न्यू टीम में जब मैं आया हूँ मेरे पास काफ़ी अच्छे आइडियाज हैं, मोटिवेटर्स हैं, एक हमारा सब्स्टिट्यूट प्लेयर है जो हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो एवरी टाइम जब मुझे फील हो रहा है कि टूर्नामेंट बुरा जा रहा है या मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, मैं जाके उनके साथ बात करता हूँ मैसेजेस पे वगैरह, वो हम मुझे चेयर अप करते हैं और मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन। वेल खैर जैसे क्रिप्टो ने बोला वही सेम चीज़, लेकिन अगर जीत में हम खुश हो सकते हैं तो हमें हार भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है और मेंटली बस स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, बस अगले टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर करके वापस स्ट्रॉन्ग कमबैक करना पड़ता है। How impactful has the inclusion of Chodo been for the team? Well, छोटू का एडिशन टीम में बहुत अच्छा रहा है क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छा फ्रैगर है और बहुत टाइम से वो खुद को प्रूव भी करता आ रहा है, तो इट्स बीन रियली गुड। यू आर हॉपिंग फ्रॉम वन टीम टू अनदर क्वाइट फ्रीक्वेंटली। What has been the main issue all this while when it comes to performance with multiple rosters? Well, basically मैंने अपना फर्स्ट टीम जो छोड़ी थी इंटरनेशनल जाने के लिए वो IIT थी, आई वेंट टू UL। UL में अगर आप मेरी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छी थी, हम लोग फाइनल्स में भी अच्छा खेले थे और EUC में भी 3 days के लिए बहुत अच्छा खेले थे। सो अपार्ट फ्रॉम देयर 2 teams were which I played bad in, which was Twisted Minds and IIT। तो उनका ये था कि ऑनेस्टली जम भी नहीं रही थी टीम, ऐसे फील हो रहा था जैसे कि टीम के अंदर कोई सिनर्जी कुछ नहीं हो रहा था। तो मुझे लगता है कि हॉपिंग फ्रॉम वन टीम टू अनदर वाज जस्ट बेसिकली टू फाइंड अ परफेक्ट टीम फॉर माई सेल्फ, लेकिन जब मैं 52 में आया हूँ मुझे अब रियलाइज़ होता है कि टीम ढूंढनी नहीं पड़ती, टीम बनानी पड़ती है और वो मैं नहीं कर पा रहा था। तो इंशाल्लाह मेरा फुल फोकस इस टीम पर है कि मैं ये टीम बनाऊँ अपने बाकी टीममेट्स के साथ। What do you have to say about the collective performance of your region? What needs to change for the teams to expect at least top 5 finishes in tournaments? Khair, I think ek reason ye ho sakta hai ki pressure hai aur dusra ye hoga ki mentally Pakistani teams itni prepared ya strong nahi hai baaki teams ki tarah, isliye shayad hamara performance down tha, agar hum mentally strong honge to hum shayad top 5 finish kar paaye। Pakistani players individually bahut weak hai, बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे लिहाज से इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो आते हैं और एक आध साल अच्छा परफॉर्मेंस करके उनकी भी गिर जाती है बिकॉज कंसिस्टेंट ग्राइंड, कंसिस्टेंट मेंटालिटी और फोकस उनका नहीं होता। तो मेरे लिहाज से इंडिविजुअल प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान रीजन में काफ़ी वीक हैं, जिस वजह से इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज नहीं आती। तो ओके गाइज, ये था हमारा एक शॉर्ट इंटरव्यू, आई होप यू गाइज इन्जॉयड, कीप सपोर्टिंग अस। हमने बहुत प्रैक्टिस की है इस टूर्नामेंट के लिए और हम फुल कोशिश करेंगे कि आपको लेट डाउन ना करें और अपने गोल्स अचीव करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल सपोर्टिंग अस और ये वीडियो देखने के लिए। खैर इंशाल्लाह बस सपोर्ट करते रहें और हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे और आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। बाय 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 बाय।